So let us start a very important topic, that is a transformer. Before understanding the concept of the transformer, बच्चों सबसे पहले important है कि हम ये समझ लें कि transformer किस principle पर काम करता है. वो principle क्या था? वो principle था electromagnetic induction. Electromagnetic induction आप लोगों ने सुना है, समझा है 12th standard में. आपने एक practical भी किया होगा. मैं एक बार फिर याद दिला देता हूँ उस practical को. क्या किया था उस प्रैक्टिकल में आपने? सर वही किया था जो माइकल फैराडे ने किया था. माइकल फैराडे कौन थे? माइकल फैराडे एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे. उन्होंने क्या किया था सर? 1831 में उन्होंने एक सिंपल मैग्नेट लिया था. क्या किया था? एक सिंपल मैग्नेट लिया था सर. उस मैग्नेट में उन्होंने क्या किया सर? वो मैग्नेट जो थी वो एक परमानेंट मैग्नेट थी. कौन सी मैग्नेट थी सर? एक परमानेंट मैग्नेट थी विच हैज टू पोल्स. उस मैग्नेट पर उन्होंने क्या किया कि सर एक उन्होंने कॉइल प्लेस कर दिया, उसको बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया. तो कि वंस यू प्लेस द कॉइल अक्रॉस द मैग्नेट इट बिकम्स अक्रॉस द मैग्नेट बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट. अब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने यहाँ पर एक कॉइल इसके ऊपर लपेट दिया और यहाँ पर उन्होंने अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लगाया. उन्होंने बोला कि चलो भैया देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और क्या किया कि इसकी शिफ्टिंग उन्होंने कोशिश करी. इधर शिफ्ट करके देखा, इधर शिफ्ट करके देखा. हुआ क्या सर? हुआ ये कि गैल्वेनोमीटर जो था, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हुआ. डिफ्लेक्शन आइदर इस डायरेक्शन और दिस इस डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन होना चालू हो गया. जब डिफ्लेक्शन हुआ तो उनके दिमाग में आया यार ये कैसे हो गया कि जब मैग्नेट से ही इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है, इट मींस गेट्स अ करंट. तो उन्होंने सोचा भैया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण हो रहा है. मतलब एक सिंपल सा मैग्नेट, जब आप उसमें कॉइल लपेट देते हैं, कॉइल चढ़ा देते हैं, तो वो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसका मतलब है कि इट्स अराउंड द मैग्नेटिज्म, इट जनरेट्स अ मैग्नेटिज्म अराउंड द मैग्नेट. अब उस मैग्नेट के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो था करंट, वो आपका सीधे करंट आपको गैल्वेनोमीटर से मिल रहा है. सर ये कॉन्सेप्ट क्या था सर? सर ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था सर. माइकल फैराडे ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था और इस फैराडे इसको लॉ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन. सर वो लॉ ऑफ इंडक्शन क्या थे सर? सर दो ही थे, दो ही उन्होंने निकाले थे. पहला इंडक्शन लॉ क्या था सर? पहला लॉ था कि व्हेन कंडक्टर कट्स अ मैग्नेटिक फ्लक्स. कंडक्टर, कंडक्टर क्या सर? कंडक्टर्स किसी के भी, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हो, आर्मेचर कंडक्टर्स हो, रोटर कंडक्टर्स हो. When the conductor cuts the magnetic flux, EMF gets induced. उन्होंने बोला जैसे ही आपके कंडक्टर फ्लक्स को कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर फ्लक्स है, जैसे ही कट करेंगे तो EMF तो induce हो गई होगा. तो इन्होंने एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा पहले लॉ में कि when the conductor cuts the magnetic flux, EMF gets induced. अब दूसरा स्टेटमेंट क्या था? दूसरा स्टेटमेंट था कि सर कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या था? इक्वल्स टू डी फाई ओवर डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. बिल्कुल सिंपल है सर, यही था. ये दोनों ने निकाले थे. आपको याद होगा मैं क्यों बता रहा हूँ. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सर इसका डायरेक्टली रिलेशन हमारा ट्रांसफॉर्मर से है. ट्रांसफॉर्मर क्या है? अब मैं बात आता हूँ ट्रांसफॉर्मर पे. ट्रांसफॉर्मर क्या है सर? नाम से ही स्पष्ट है, बहुत सिंपल है. नाम बहुत सिंपल है. ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफर मतलब क्या ट्रांसफर कर रहा है? मतलब एक तो चीज है जो ट्रांसफर करेगी. क्या ट्रांसफर करेगी सर? सर ये क्या है सर? ये कॉइल है. ये क्या है सर? ये भी कॉइल है. दोनों कॉइल मैंने सेपरेट कर दिए हैं, कोई भी इसके बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है. ये मैग्नेटिकली कपल्ड है और बीच में मैंने इनको एक मीडियम दिया है जिसको बोलता हूं मैं कोर. क्या बोला मैंने इसको सर? ये जो है वो है मेरा कोर. क्या है? कोर है. अब ये क्या है? मैग्नेट. अब इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए. अब इसमें मैंने अभी तक ना तो सोर्स लगाया है ना लोड लगाया है, बस ये दो सिंपल कॉइल है. एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है. अब ट्रांसफॉर्मर कर क्या रहा है? क्या कर रहा है ट्रांसफॉर्मर? है क्या चीज? सबसे पहले सुनो भाई, ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है. स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक मतलब स्थिर. स्थिर मतलब जिविच डज नॉट हैव एनी रोटेटिंग पार्ट.
जिसके पास कोई भी अंदर रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इसीलिए इसको स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक मतलब विच डज नॉट हैव एनी रोटेटिंग पार्ट इनसाइड द मशीन, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द स्टैटिक। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, स्टैटिक का मतलब सर ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है हिल नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं। क्या है, जैसे आपकी मशीन, मशीन इज ए रोटेटिंग, ठीक है, वो क्या है रोटेशनरी है, आपका उसके अंदर आपका रोटर मूव हो रहा है, आर्मेचर मूव हो रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी ऐसी चीज मूव नहीं होती, इसीलिए अंदर इसकी कोर स्टेशनरी होती है, इसीलिए इसको स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। क्लियर है यार, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मर ने क्या किया, उसको समझने के लिए क्या करूंगा मैं, बहुत छोटा सा काम करने वाला हूँ बेटा। यहाँ पर बस मैंने एक सोर्स लगा दिया, जैसे ही मैं यहाँ सोर्स लगाता हूँ तो बेटा वो बन जाता है प्राइमरी वाइंडिंग। जहां भी सोर्स कनेक्ट करूंगा वो प्राइमरी वाइंडिंग होगा। प्राइमरी वाइंडिंग मतलब सोर्स, तो इसको मैंने नाम दे दिया सर V1, नाम दे सकता हूँ। अब लोड, एक सोर्स होता है सर, एक लोड होगा, तो मैंने यहाँ पर एक लोड कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया बेटा, एक लोड कनेक्ट कर दिया है ना, तो लोड और सोर्स ये दो चीज है, समझ लीजिए, लोड और सोर्स। जहां सोर्स कनेक्ट होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग, जहां लोड कनेक्ट होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है, बहुत तरह से क्लियर है, एक बार और बोल देता हूँ, यहाँ सोर्स कनेक्ट होगा वो प्राइमरी, जहां लोड कनेक्ट होगा वो सेकेंडरी। अब तो क्लियर है, चलिए अब इसने क्या किया, वंस यू कनेक्ट द सोर्स अक्रॉस दिस वाइंडिंग द करंट विल फ्लो, करंट विल फ्लो, आई एज्यूम दिस इज द करंट I1। अब करंट जब फ्लो होगा तो बेटा यहां पर क्या मिलेगा, इस टर्मिनल पर पावर मिलेगी। क्या मिलेगी, पावर। पावर क्या होता है सर, वोल्ट इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, पावर मिलेगी। जो वो पावर को क्या कर रहा है, यहाँ की पावर को सर यहाँ ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है सर, देखो वी इंटू आई क्या बनेगा, पावर, याद रखना, पावर को यहां से उठाया उसने और यहां ट्रांसफर कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने ट्रांसफर द पावर, ट्रांसफर द पावर। और पावर और सर और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है, बस कुछ नहीं होता सर, वो आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, मतलब टी का मल्टीप्लाई कर दें तो वो एनर्जी हो जाती है, तो किसी टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो एनर्जी हो गई। तो यहां पर मैं बोलूं कि इट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, एक बोल सकता हूं मैं, या फिर बोलूं इट ट्रांसफर द एनर्जी, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी टू आई क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, ये भी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना। चलिए अब बहुत अच्छी तरह उसको समझ ले कि हमने ट्रांसफॉर्मर क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा है ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, उसने क्या करता है सर, ये ट्रांसफर करता है, क्या ट्रांसफर करता है सर, ये पावर को ट्रांसफर करता है। कैसे ट्रांसफर करता है सर, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर कर देता है। बहुत बढ़िया भैया, इसका मतलब जो करंट मुझे यहाँ मिल रहा था तो यहाँ भी मुझे एक करंट मिलना चाहिए, तो मैंने लिख दिया भैया I2, यहाँ भी तो करंट होगा जब पावर ट्रांसफर हो गया, और इसके अक्रॉस मुझे क्या मिलेगा सर, इसके अक्रॉस दूसरा वोल्टेज लेवल लेता हूँ V2। तो यहाँ पर पावर पूरी की पूरी ट्रांसफर हो गई है ना, लेकिन किस पर होगी सर, इस समय बस इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए, यदि फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग में रख लो, इज ए स्टैटिक क्यों बोला, इट डज नॉट हैव एनी कंटेन एनी रोटेटिंग पार्ट, इज ए स्टैटिक रोटेट स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस विच ट्रांसफर द पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू एनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेंसी, विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेंसी। अब समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन क्लियर है, याद हो गई, बहुत अच्छी बात है। अब यदि जब ये ट्रांसफर हो गई पावर, अब देखिए अब आता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, अब आपने पढ़ लिया सर ये प्राइमरी वाइंडिंग है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे ट्रांसफर हो रही है पावर, ये समझ सकते हो, चलो बहुत सिंपल है। कैसे करना है सर, जैसे ही करंट जब यहां से फ्लो होगा तो वो कहां जाएगा सर, इस कॉइल में जाएगा, ये कॉइल क्या होगी सर, मैग्नेटाइज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, मैंने बताया था यही तो किया उसने, जैसे उसने कनेक्शन यहाँ दिया, इस कॉइल लगाया यहाँ पर पावर दी, यहाँ कॉइल मैग्नेटाइज हो गई, वंस इट मैग्नेटाइज तो क्या होगा सर, इसमें सेल्फ क्या होगा, इंडक्टेंस, क्या होगा इसमें सेल्फ इंडक्टेंस है ना, अभी तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, अभी ये जब मैग्नेटाइज हो गई तो क्या किया इसने, इसने इस कोर को, बिकॉज कोर क्या है आयरन की है, तो आयरन भी मैग्नेटाइज हो गया, यस और नो, आपने देखा है कि इसके अक्रॉस में भी आयरन रख दूंगा तो आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा। तब इसने क्या किया, वंस द करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस द कॉइल इट हैज बीन मैग्नेटाइज, तो माय कोर विल बी मैग्नेटाइज,
अब ये कोर के बगल में क्या रखा है सर, सिंपल सी कॉइल फिर रखी है। तो यहां से पूरी कोर से आपने देखिए एनर्जी का कहीं भी लिंक नहीं है, कहीं भी मैंने इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं करे हैं, बस एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। देखो कैसे हुई, कॉइल से कोर पर आई, कोर से इस पॉइंट पर आई और यहाँ पर फ्लो कर गई। सर यही प्रिंसिपल है, कुछ नहीं है, बस छोटा सा प्रिंसिपल है। कैसे ट्रांसफर होती है एनर्जी, पहले एनर्जी ट्रांसफर हुई कॉइल पे आई, कॉइल से अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका यहाँ पर इंडक्ट बढ़ गया। अब उससे क्या हुआ, एनर्जी यहाँ से कोर पर आई, कोर मैग्नेटाइज हुई, ये कॉइल मैग्नेटाइज थी, कोर मैग्नेटाइज हुई, यहाँ से ये कोर मैग्नेटाइज हुई, इसके बाद यहाँ पर करंट फ्लो हो गया। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है, आप मेरी बात को समझो बेटा, ये क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स, क्या है ये आपके, क्या है ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये है एन वन और बेटा ये है एन टू, ये दो है। और एन वन एन टू क्या होता है सर, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, होते हैं। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स एन वन एन टू क्यों लिखा है बेटा, ये प्राइमरी क्या है इसलिए मैंने एन वन लिखा है, तो ये सेकेंडरी क्या है तो लिखा है मैंने एन टू, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ अब क्या होता है कि अब हम ये देखते हैं, यदि हमारे प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी से ज्यादा है या कम है या बराबर है, इसके बेसिस पर हमारे ट्रांसफार्मर को डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया कि सर देखो, यदि हमारे नंबर ऑफ टर्न्स एन वन, सर एन वन यदि हमारा ग्रेटर देन है एन टू से, तो हमारे एन वन के टर्न यदि एन टू से ज्यादा है, तो एन टू से यदि ज्यादा होंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा स्टेप, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, एन वन ज्यादा है एन टू से तो क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा बेटा। हाँ चलिए बिल्कुल होगा। अब यदि मेरा एन वन इज लेस देन एन टू है, मतलब अब मैंने लिखता हूं यहां पर एन वन इज लेस देन एन टू, तो मेरा कौन सा होगा जल्दी बताओ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कौन सा होगा बेटा, ये मेरा होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, ये मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अब एक चीज और समझ ले आप, ये तो दो चीज हो गई सर, जब एन वन इक्वल टू एन टू हो जाएगा सर, ये कंडीशन क्या होगी सर, सर ये होगी सर, दिस इज कॉल्ड द आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, याद रखना, व्हेन एन वन इक्वल टू एन टू दिस कॉल्ड द आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ यूज होते हैं बच्चे, देखो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है जल्दी बताओ, मतलब पावर को स्टेप डाउन करने के लिए यूज करेंगे, सिंपल सी चीज है। इसका रिलेशन क्या होता है सर, एन वन शुड बी लेस देन एन टू, एन वन शुड बी ग्रेटर देन एन टू, और क्या ले सकते हैं सर, ये होता है वी वन, मतलब स्टेप डाउन है तो मतलब यहाँ का वोल्टेज हमें कम मिलेगा, तो वी वन शुड बी ग्रेटर देन वी टू, और दूसरा हो सकता है इसका आई वन इज लेस देन आई टू। अब मैंने ये क्यों लिखा आप देखिएगा, आपका यहाँ का करंट ज्यादा होना चाहिए और यहाँ का करंट कम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि तो हमारा जो वोल्टेज है वो करंट के रेसिप्रोकल होता है, विद क्रमानुपाती होता है, तो हमको पता है यदि वी वन का वोल्टेज ज्यादा है तो यहाँ पर आई टू का करंट ज्यादा होना चाहिए, तो ये हमारा कंडीशन था स्टेप डाउन के लिए। सिमिलर यही कंडीशन यदि हम एन टू के लिए लिखेंगे, स्टेप अप के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आपका जो वी वन शुड बी लेस देन वी टू और आई वन शुड बी ग्रेटर देन आई टू, ये आपका हो गया कंडीशन, है कि नहीं, सिंपल सिंपल चीज है ये, बस आपको याद रखना है। स्टेप अप कहाँ यूज करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, स्टेप डाउन का यूज करेंगे सेकेंडरी वोल्टेज को कम करने के लिए। यहां तक बात समझ में आ रही है, आ रही है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, हमने अभी तक ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमने क्या पढ़ लिया सर, हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया, प्रिंसिपल क्या होता है। अब अभी क्या पढ़ना है सर, फ्लक्स का नेचर तो पढ़ लें सर, फ्लक्स क्या होता है, देखो बेटा ये फ्लक्स क्या है, मैंने मैग्नेटिक सर्किट में बहुत अच्छी तरह से आपको फ्लक्स बताया था कि व्हाट इज द फ्लक्स, और फ्लक्स होता कहाँ है सर, फ्लक्स हमेशा कोर में ही होता है, किसमें होता है, कोर में होता है। सर कोर कैसे दिखती है, देखो मैं अभी सुगर को बना रहा हूँ, इसको कोर के साथ बना रहा हूँ, आप मैच करिएगा, आपको मजा आएगा, क्लियर मजा आने वाला है, आप देखिएगा अभी, है ना, ये देखिए ये आपका सपोज कोर है, क्या है कोर, ये मैंने आपका कोर बनाया है, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर ही बताऊंगा आपको, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने यहां पर कुछ वाइंडिंग लगा दिया,
सिमिलरली मैंने यहां पर वाइंडिंग लगा दिया, ठीक है बेटा। हाँ अब देखो, अब मैंने क्या किया सर, ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग बोल दूंगा क्या? नहीं बोल सकता। कब तक नहीं बोलूंगा? जब तक मैं यहाँ सोर्स नहीं लगा दू। मैंने अब यहाँ सोर्स लगा दिया। अब आप बोल सकते हो कि सर ये प्राइमरी है, लेकिन अभी इसको सेकेंडरी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोलेंगे सर? यहाँ तो लोड लगाना पड़ेगा। हाँ लोड यदि नहीं है तो आप बोल सकते हो देयर इज नो लोड, तो फिर ये भी सेकेंडरी कहलाएगी। तो आपने यहाँ पर लोड लगा दिया। अब बेटा एक चीज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, फ्लक्स कहाँ होगा मैं अभी बता रहा हूँ। फ्लक्स यहाँ होगा, ध्यान दीजिएगा, दिस इज ये फ्लक्स। फ्लक्स हेल्प्स टू देखिए सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। फ्लक्स ये क्या है? फ्लक्स आपने क्या किया, व्हेन द करंट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स वी वन, इट पासिस थ्रू द कॉइल इज मैग्नेटाइज एंड द वन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट। दिस इज द ईएमएफ ई1 व्हिच इज इंड्यूस्ड अक्रॉस। हाउ? विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लक्स, only with the help of this flux. This flux is used to create the EMF. Yes or no? This is the responsibility, the flux. Now, when this flux comes to, come across this winding, it is passes through the same winding itself, through this medium. Medium is core. What is the medium? Medium is core. Core is the medium. So, flux always passing through the, if passing inside the core, you know, so by this core, flux comes across this winding itself. So it gets magnetized. JV magnetized ho jayegi. So we also get over here the secondary EMF, that is the E2, which is flow the current I2 across the load. This is the concept. This is the concept. You understand this concept? Yes. Bahut simple hai. Ye figure bana diya. Achha lag raha hai aapko? ये फिगर को आप ना पेपर में भी बना सकते हैं, बहुत आराम से बन जाता है। सिंपल चीजें हैं, पेपर में जब आप करें अच्छी तरह से करें तो सबसे कोशिश करें कि फिगर के थ्रू सॉल्व करें, तो आपको बड़ा मजा आएगा, है ना। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसफर के बारे में और चीजें जानते हैं। सर एसी पे काम करता है कि डीसी पे करता है? सर डीसी पे करता है तो क्यों करेगा? सर क्या रीजन है? या एसी पे करता है तो सर कैसे करता है? या डीसी पे नहीं करता तो क्यों नहीं करता सर? तो ये चीजें अभी मैं इसके आगे पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना।